शाहरुख खान फैंस के लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर भी। अच्छी खबर ये है कि शाहरुख खान एक बार फिर से यशराज फिल्म्स के साथ अपना अगला प्रोजेक्ट फाइनल कर चुके हैं, और बुरी ये है कि ये प्रोजेक्ट क्या है किसी को भी नहीं पता। गौरतलब है कि शाहरुख खान के पास दो फिल्मों के बारे में सोचने का समय था, एक थी धूम 4 और दूसरी है पीरियड फिल्म, जहां शाहरुख खान को अपनी अशोका की तरह एक योद्धा बने हुए नज़र आ सकते हैं। अब शाहरुख ने इनमें से कौन से फिल्म में फाइनल किया गया है ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। अगर शाहरुख ने पीरियड फिल्म फाइनल कर दी है तो ये मान लीजिए कि धूम 4 सलमान ही करेंगे, वहीं अगर शाहरुख ने धूम 4 फाइनल की है तो धमाके के लिए तैयार हो जाए। कुछ दिन पहले धूम 4 को लेकर एक और नई अफवाह उड़ी और गपशप गली में फिल्म को लेकर एक नई बल्कि एक साथ दो अफवाहें घूम रही हैं। अफवाह एक, विलन सलमान खान और जॉन अब्राहिम होंगे और ऋतिक रोशन और आमिर खान के बाद आखिरकार इस बार धूम 4 में विलन बन चुके हैं सलमान खान। लेकिन अब सलमान विलन है तो अच्छे विलन ही होंगे, बीन ह्यूमन वाले। अफवाह 2 है डॉन शाहरुख खान। माना जा रहा है कि शाहरुख खान ने खुद ये सलाह दी थी कि उनके डॉन कैरेक्टर को फिल्म में शामिल किया जाए, यानी कि धूम 4 डॉन और धूम का स्पिन ऑफ हो सकती है हॉलीवुड फिल्मों की तरह, अगर डॉन प्रोड्यूसर फरहान अख्तर मानते हैं तो। अभी भी माना जा रहा है कि फिल्म के लीड शाहरुख खान ही होंगे, फैन के बाद उन्हें एक सुपरहिट फिल्म की अदद ज़रूरत है और उनकी मदद के लिए आदित्य चोपड़ा जुट गए हैं। वैसे भी फैन के पहले शाहरुख की आखिरी दो फिल्म दिलवाले और हैप्पी न्यू ईयर भी लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई थी, तो देखना दिलचस्प रहने वाला है कि शाहरुख खान की ये मूवी जो यशराज प्रोडक्शन के साथ आती है ये कौन सी आएगी और शाहरुख खान इसके अंदर कौन सा रोल निभाते हुए नज़र आएंगे। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें देखो देखो और जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि मिलेगी आपको बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले।